हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो बहुत ही शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। जो एप्लीकेशन मतलब कि बहुत आसानी तरीके से आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देगी। उस एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ। बताने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और इस वीडियो पे अंत तक बने रहे। तो मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपको एप्लीकेशन जो है पिक आर्ट जो है वो जैसा नहीं देती एडिटिंग करके बहुत आसानी तरीके से ये एप्लीकेशन देने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूँ इतना ही कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें। तो मैं अपना होम स्क्रीन पर आ गया, जैसे कि देख सकते हैं फ़ोटो रूम है, प्लस का आइकन पर जाना है। जाने के बाद आपको कोई अपना फ़ोटो एक चूज़ कर लेना है जिसका आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा फ़ोटो अपना मैं चूज़ कर लिया हो तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन करके ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आप यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो है आप उसको ही कर लेना और फिर जाके बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिया रिप्लेस में जा कर के कोई भी एक कैटेगरी में जा कर के सिटीज़ का एक ओके सिटीज़ का एक मतलब कोई भी पिक उठा लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे तो चलिए मैं ये उठा लेता हूँ। इसको लेने के बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा फिट कर ले अपने हिसाब से। करने के बाद आप पिक को भी रिमूव बैकग्राउंड वाला पिक को भी सही से एडजस्ट कर दे अपने हिसाब से। देख ले कितना साइज़ में मतलब कि नॉर्मल साइज़ में, ऐसा नहीं कि लगना चाहिए कि एडिटिंग है। जैसे कि आपको इसमें ज़रा सा भी नहीं लग रहा कि एडिटिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे बैठा थोड़ा छोटा करके यहाँ पे सेट कर देना इस तरीके से। सेट करने के बाद ये हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे राइट साइड में जो ऊपर जो एरो का साइन जो दिख रहा है उसमें जा कर के आप सेव कर सकते हैं, सेव टू गैलरी। तो ये हमारा सेव हो गया है। अगर आपको हमारी